हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। और इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो यहाँ की हमने साफ़ सफाई कर दी है, अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई, क्योंकि सुबह के काम यहीं से शुरू होते हैं, पहले साफ़ सफाई से ही। तो पहले ही उठते ही लग जाते हैं साफ़ सफाई में, तो यहाँ चूल्हे की पुताई कर दें, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। और यहाँ पर है ना कि जो चिड़ियों ने हमारी रसोई में अपना घर बनाया था, वही बच्चे अब बड़े बड़े हो गए हैं। तो दो बच्चे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे, तो ये अब उड़ना भी सीख गए हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी इतने अच्छे से नहीं उड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आकर आज एक बैठ गया था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से है ना कि अब रसोई से भाग गए हैं, कभी कभी आ जाते हैं तो यहीं पर बैठ जाते हैं, अपने घर में भी बैठ जाते हैं और यहाँ नीचे भी खेलने लगते हैं। तो आज भी यहाँ पर ये खेलने लगा था, तो हमने कहा चलो, कितना प्यारा लग रहा था कि हमने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप ले ले। और आरोही की वजह से हमने और भी ले लिया था, क्योंकि आरोही को है ना कि ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने बाद में आरोही को दिखाया भी था, तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मम्मा बच्चे आए थे घर के रसोई में। तो हमने कहा हाँ, तुम तो सो रही थी, तो आरोही तो अभी सो रही थी, उससे पहले ही बच्चे यहाँ पर रसोई में आए थे। और इधर उसके बाद में नहा धो करके हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे खाने में दाल चावल। तो दाल हमने ली है क्यूटी की बनाएंगे। इसमें दाल हमने दो तरह की ली है, उड़द की दाल ली है और चने की दाल ली है। तो दो तरह की दाल हम डालकर बनाएंगे और कुकर में ही बना लेंगे, एक दो सीटी लगा देंगे तो जल्दी से ही हमारी दाल भी बन जाएगी। और उसके बाद में इसी कुकर में हम बनाएंगे चावल और थोड़ी सी सेकेंगे रोटियां। तो बस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं खाना। और इन दिनों में हम थोड़ा सा जल्दी ही करते रहते हैं, क्योंकि जितना जल्दी से खाना बन जाए उतना ही अच्छा रहता है। और फिर धूप भी तेज़ हो जाती है, और वैसे सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, जो कि आप सभी देख ही रहे हैं कि हम गर्म वाला ब्लाउज पहने हुए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ठंडी लगने लगती है तो पहन लेते हैं, और ना पहनो फिर थोड़ी सी ठंडी लगती रहती है, काम करते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो पहन जरूर ही लेते हैं। और इधर आरोही अभी सो रही हैं, तो आरोही को भी ठंडी लग रही थी, तो हमने चद्दरें उड़ा दिए हैं, दो चद्दरें आरोही को उड़ा दिए हैं, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि बब्बा हमको ज़ोर से ठंडी लग रही है। और कपड़े भी आरोही गर्मी वाले ही पहने हैं, हल्के कपड़े पहने हुई थी, तो इसी वजह से इनको ठंडी लग रही थी ज़्यादा ही कुछ, तो हमने आरोही को उड़ा दिया था, तो ये सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और इधर अब बिस्तर हटा देते हैं, आरोही भी जाग गई हैं, तो हमने कहा उठो स्कूल जाओ, क्योंकि आरोही फिर से स्कूल अब जाने लगी हैं, गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तो हम एक दो दिन के लिए रोक देते हैं, क्योंकि जो इनका स्कूल है वहाँ पर सिर्फ टीन ही पड़ी हुई है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और लू भी बहुत तेज़ चलती है। तो आरोही को हम देखने के लिए ही आए थे कि आरोही जागी हैं या नहीं जागी हैं, ना जागी हो तो हम जगा देते हैं, क्योंकि फिर स्कूल का भी टाइम हो जाता है, फिर देरी हो जाती है और बच्चे सारे चले जाते हैं, और एक दो बार यहाँ पर आना ही होता है देखने के लिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से चले जाते हैं उसके बाद में बाहर से गेट लगा देते हैं, अगर ना लगाओ गेट तो बहुत जल्दी से ही बंदर अंदर आ जाते हैं, तो एक दो बार हमको देखना ही होता है यहाँ पर। तो आरोही जाग गई हैं और साथ साथ में यहाँ के जो काम है उनको भी कर लेते हैं, तो बिस्तर भी हमने हटाकर रख दिए हैं और उसके बाद में अब लगाने लगे हैं झाड़ू। झाड़ू भी लगा देते हैं, साफ़ सफाई हो जाएगी। और जो है ना कि साथ साथ में सभी काम होते रहते हैं, जो भी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं, तो जल्दी से हमारे काम भी हो जाते हैं और चिंता भी नहीं रहती है इतनी। तो जब तक हमारी दाल बन रही थी तब तक हमने कहा चलो उधर के ही काम वो ख़त्म कर लेते हैं, और इधर हमारी दाल भी बन गई है, तो दाल को हमने परोस कर रख लिया है कटोरी में और डाल देते हैं चावल बनने के लिए। तो चावल बन जाए उसके बाद में बस थोड़ी सी ही रोटियाँ सेकेंगे। तो अब लगा देते हैं दाल में छौंका, और छौंका हम लगाएंगे सिर्फ लाल मिर्च से और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस सिंपल सी ही ये दाल बनाएंगे, क्योंकि क्यूटी की जो दाल बनती है इसमें हल्दी भी नहीं पड़ती है और मिर्च भी नहीं पड़ती है, बस नमक ही पड़ता है। तो नमक ही हमने डाला था और बहुत ही अच्छे से हमारी दाल बनकर तैयार हुई है। तो सिर्फ एक ही मिर्च हमने लाल डाली है छौंके में, और है ना कि एकदम से सिंपल सी ज़रूर बनती है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे यहाँ तो सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो इधर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है और अब लगा लेते हैं आटा, क्योंकि आटा भी हमने अभी तक नहीं मारा था, तो आटा मार लेते हैं और तब तक हमारे चावल बन रहे हैं।
तो आटा इधर हम लगा लेते हैं, उसके बाद में रोटियां सेकनी हमने देखो शुरू कर दी हैं, तो थोड़ी सी हमारी सिक भी गई हैं 2-3 रोटियां, तो बस जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं। और थोड़ी सी ही रोटियां सेकनी है, क्योंकि जब चावल बन जाते हैं तब इतनी ज़्यादा रोटियां नहीं सेकनी होती हैं, और अगर हम चावल ना बनाए तो ढेर सारी रोटियां सेकनी हो जाती हैं, और जब चावल थोड़े से बन जाते हैं तो थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं रोटियां, तो रोटियां कम ही सेकनी होती हैं। तो बस पतली ही वाली सारी रोटियां सेकेंगे, क्योंकि दाल बनी है तो पतली वाली ही जल्दी जल्दी सेक लेते हैं। और इधर आरोही भी बैठी हुई है, आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही अभी जाएंगी स्कूल, अभी हमने तैयार भी नहीं आरोही को किया है, क्योंकि बच्चे चले गए हैं, तो आरोही के पापा आरोही को छोड़ने के लिए जाएंगी, ये बाद में ही रह जाती हैं, देरी भी हो जाती है थोड़ी बहुत, और फिर है ना कि ये तैयार भी नहीं जल्दी से होती हैं, तो फिर आरोही के पापा बोलते हैं कि चलो हम छोड़ देंगे चल के। और वैसे तो आरोही जब जल्दी तैयार हो जाती हैं तब तो ये बच्चों के साथ में ही चली जाती हैं और चली भी आती हैं, लेकिन फिर देरी हो जाती है थोड़ी बहुत, फिर आरोही के पापा ही इनको छोड़ते हैं। तो हमने कहा चलो पहले रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद में ही आरोही को तैयार करेंगे, और अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, और वैसे भी स्कूल भी यहीं पास में ही है गांव में, और अभी हमने बाहर कहीं इनका एडमिशन भी नहीं कराया है, तो हम सोच रहे हैं ये 5 साल की पूरी हो जाए उसके बाद में ही इनका कहीं एडमिशन हम कराते हैं अच्छे स्कूल में। और यहाँ पर है ना कि ऐसे ही स्कूल है, वहाँ पर गर्मी वर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो दिक्कत भी हो जाती है थोड़ी बहुत। जब भी आरोही घर पर आती है तो ये बोलने लगती है कि मम्मा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो हम कहीं और कहीं एडमिशन इनका कराएंगे अच्छे स्कूल पे, जहाँ पर है ना कि थोड़ी बहुत सुविधाएं भी हो। और यहाँ पर अभी कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि एक बार आरोही के चोट भी यहाँ पर लग चुकी है, जब आरोही खेल में लगी हुई थी, जो कि लंच होता है ना कि बच्चे खेलने लगते हैं, तो सभी बच्चे गेंद से खेल रहे थे, तो वही आरोही के गेंद लग गई थी मुँह में, और ओंठ में गेंद लगी थी, तो ओंठ में लगने की वजह से दांत भी गड़ गया था, तो काफ़ी खून भी निकला था, तो इसी वजह से हमको डर भी लगा रहता है। तो यहाँ पर अच्छा तो नहीं लग रहा है पढ़ाते हुए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अभी आरोही बाहर जा नहीं पा रही है, छोटी है, रोने भी लगती है बहुत जल्दी से ही, तो हम सोच रहे हैं कि 5 साल की पूरी हो जाए उसके बाद में ही इनको कहीं बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। और उधर हमारे घर के काम हो चुके हैं थोड़े बहुत, साफ़ सफाई भी हमने कर दी है रसोई की, बस पुताई करनी बाकी रह गई है, तो पुताई हम बाद में करेंगे, क्योंकि आग बनी रहती है थोड़ी बहुत, तो हम वो बरोसी में डाल देते हैं, उसके बाद में फिर चूल्हा ठंडा नहीं हो पाता है इतनी जल्दी से, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर में चूल्हे की पुताई करेंगे। और तब तक हम आ गए थे इधर पीछे वाले घर में यहाँ पर चावल छानने के लिए, तो है ना कि ये चावल जो आते हैं कोटा वाले, इनमें थोड़ा सा कनकी ज़्यादा होती है, तो हमने कहा चलो थोड़े से इनको छान देते हैं, तो अच्छे से चावल भी खाने में लगेंगे, तो बस थोड़ी थोड़ी सी ही हम निकालेंगे, और बाकी के तो हमारे चावल तो अच्छे आते हैं, लेकिन बस थोड़े से टूटे हुए चावल आते हैं। और इधर आरोही भी स्कूल से आ गई हैं, तो आरोही के कपड़े भी हमने बदल दिए हैं, दोबारा से हमने वही कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि आरोही को अभी हम नहलाएंगे, सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी थी, तो हमने कहा चलो नहीं नहलाएंगे, दोपहर में नहला देंगे, और बच्चों की जल्दी से छुट्टी भी हो जाती है, 12 बजे ही आरोही की छुट्टी हो जाती है, तो आरोही आ गई हैं, और किसी किसी दिन तो ये जल्दी भी आ जाती हैं, लेकिन आज ये छुट्टी में ही आई थी, तो हमने कहा चलो थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, उसके बाद में ही आरोही को नहलाते हैं। और आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम बगिया में नहाएंगे, तो हमने कहा चलो बगिया में ही नहला देंगे, तो इधर पहले हम चावल छान लेते हैं, उसके बाद में ही हम आरोही को नहलाएंगे, तो बस थोड़े से ही छानने के बाकी रह गए, इनको भी छान लेते हैं, फिर उसके बाद में ही आरोही को नहलाएंगे। और कपड़े भी हमारे ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो कपड़े भी हमको धुलने हैं, और इन दिनों में है ना कि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, कभी तो हमको ठंडी लगने लगती है, तो कभी तो गर्मी लगने लगती है। और इन दिनों में कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, जबकि ये बैसाख के दिन है, फिर भी सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि कुछ ना कुछ कपड़े पहनने ही होते हैं गर्म वाले। और तो हम चूल्हे के सामने बैठे थे, तब हमको गर्मी लग रही थी, और उसके बाद में फिर से हमको ठंडी लगने लगी थी, तो हमने फिर से पहन लिया है गर्म वाला ब्लाउज, तो कभी तो ठंडी लगती है और कभी तो गर्मी लगती है, तो यही हाल सबका है, हमारा ही नहीं। और हमारी तो इन दिनों में थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम भी है और थोड़ा सा बुखार उखार भी आ जाता है, तो इसी वजह से और भी ठंडी लग रही है। और है ना कि अब तो गर्मी वैसे आ गई है, तो गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन मौसम बदल रहा है, सर्दी भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक ये ठंडी चलेगी। तो सारे कपड़े हमने रख दिए थे पहले, और अब हमने है ना कि ब्लाउज को निकाल लिया है, क्योंकि ठंडी हो जाती है सुबह के टाइम। और इधर हमने आरोही को तो नहला दिया है, और उसके बाद में हम धुलने लगे हैं कपड़े, तो आरोही को हमने यहीं बगिया में ही नहला दिया था,
और बाल वाल नहीं धुले थे, क्योंकि यह ना कि रोज़ रोज़ हम आरोही के बाल नहीं धुलते हैं और बाल भी थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में इनके छोटे छोटे थोड़े से बाल करवा देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर आरोही भी हमारे साथ में कपड़े धुलने में लगी हुई थी, तो बोल रही थी कि मम्मा हम अपने कपड़े धुलेंगे, तो हमने कहा चलो धुल लो अपने कपड़े। और जैसे जैसे हम साबुन लगा रहे हैं कपड़ों में, वैसे ही आरोही भी लगा रही हैं और साथ में पानी भी डाल रही हैं, क्योंकि सारे काम ऐसे ही सीखती जा रही हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही, और बहुत जल्दी से ही आरोही को काम भी आ जाता है। एक बार हमारा काम देखती है वैसे ही सेम करने लगती है, तो जो भी हम काम करेंगे वो काम साथ में ज़रूर ही करेंगी, और वैसे भी लड़की है तो काम तो करने ही चाहिए, सीखने भी चाहिए, तो हम मना भी नहीं करते हैं, तो साथ साथ में देखती रहेगी और साथ साथ में करती भी जाएगी, तो जल्दी से सीख भी जाएगी सारे काम। और बेटियां वैसे भी बहुत ही प्यारी होती हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं भी जाएँ या कोई भी काम करें तो साथ में ज़रूर ही आरोही हमारे साथ में काम ज़रूर ही करवाती हैं। और इधर आप सभी को हम दिखाते हैं, ये हैं कच्चे आम, जो कि बुआ ने इनको धागे में बांधकर अच्छे से टांग दिया है, जिससे है ना कि बंदर ना पाएं, वैसे तो बंदर हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बचने ही नहीं देते हैं, तो इसी वजह से बुआ ने यहाँ पर टांग दिया है। और यह है लमसम 3:30 बजे का टाइम, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप भी चली गई है, बस थोड़ी सी ही धूप रह गई है, तो यहाँ पर इतने टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पीछे वाले घर में भी और वहाँ पर भी बगिया में भी अच्छा लगता है, ठंडा मौसम रहता है और यहाँ पर साफ़ सफाई भी रहती है। बस ये कमी है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है जब भी हवा चलती है, तो आज इतनी तेज़ हवा भी नहीं चल रही थी, और यहाँ पर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो मिट्टी इट्टी भी यहीं पर रखी है जो कि हम पुताई उताई में यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो यहीं पर ज़्यादा चीज़ें हमारी जो घर की हैं वो ज़्यादातर चीज़ें यहीं पर रहती हैं, तो बहुत ही कम ही चीज़ें घर पर रखते हैं और बाकी की चीज़ें यहीं पीछे वाले घर में ही रखते हैं। और जो आज हमने ये पर्दा धुला था रसोई का, उसको भी लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था, फिर गंदा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है दिखने में, तो हमने कहा चलो इसको भी धुल देते हैं, तो अब लगा देते हैं। और बारिश की वजह से दरवाजे की डिजाइन भी ख़राब हो गई है, तो अब दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और पहले कितनी अच्छी लगती थी, तो बारिश एक दो बार हुई है तो दीवार से पानी आ जाता है, तो उसी वजह से ये सारी डिजाइन हमारी ख़राब हो गई है। तो हम सोच तो रहे हैं कि किसी दिन दीवार की पुताई कर देते हैं बाहर की, तो अच्छी लगेगी हमारी दिखने में, लेकिन फिर सोचते हैं हम कि बारिश आ जाएगी फिर से ख़राब हो जाएगी हमारी मेहनत, तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो पहले हम रसोई में पर्दा लगा देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।